एवं स्वास्थ्य विभाग के सभागार में सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों को 22 जून से शुरू होने वाले मिजल्स रूबेला एवं गर्भवती महिला सुरक्षा व टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी दी गई। जिला स्वास्थ्य भवन में मिजल्स रूबेला कार्यक्रम के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए जिला बीपीएम एवं बीएनओ व डाटा ऑपरेटर की कार्यशाला का आयोजन सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर चौधरी ने 22 जुलाई से शुरू हो रहे मिजल्स रूबेला कार्यक्रम को सफलतापूर्ण पूर्ण करने के चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने प्रपत्र 1, 2 व 3 को सही ढंग से भरने के साथ ही मिक्रो प्लान बनाकर कार्य योजना पूर्ण करने को कहा। बैठक में आरसीएचओ डॉक्टर प्रीतम मोहिंदर सिंह, डब्ल्यूएचओ की अपूर्वा सांगावन, यूनिसेफ से आदित्य अग्निहोत्री, डीपीएम सचिन भार्गव, यूपीएम अरविंद सांगवा, डीएनओ मुकेश सिंघारिया, हेल्थ मैनेजर नरेंद्र कुमार खत्री, डीएसी राकेश भाटी सहित संपूर्ण जिले से आए डाटा एंट्री ऑपरेटर व बीएनओ उपस्थित रहे। सीएमएचओ ने गर्मी के मौसम को देखते हुए आम जन को इसके लिए सावधानी बरतने की अपील की। मिजल्स एंड रूबेला ये दो खतरनाक बीमारियां हैं। मिजल्स के बारे में तो आप भलीभांति जाते हैं, जो खसरा जो होता है 9 महीने पे टीका लगता है और इसको होली के आसपास ये होगा माताजी कहते हैं ये होती है। और रूबेला जनरली प्रेग्नेंट लेडी जो गर्भवती होती है उसमें अगर रूबेला वायरस है इन्फेक्शन हो जाता है तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी बच्चा पैदा होगा अंधापन होगा, बहरापन होगा और मानसिक विकलांगता हो सकती है। कभी कभी गर्भपात भी हो सकता है या कभी मृत बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो आने वाले टाइम में 22 जुलाई से ये पूरे राजस्थान में एक तरह का अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि 9 माह से लेकर के 15 साल के तक के बच्चों को, चाहे वो स्कूल जाता हो, चाहे वो आंगनवाड़ी जाता हो, चाहे नहीं भी जाता हो, हम विशेष शिविर लगा करके उनके टीका के माध्यम से, हमारे वर्कर्स की मीटिंग भी बुलाई गई थी, इसी के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग भी कर चुके हैं कलेक्टर साहब के साथ, हम ब्लॉक के माध्यम से भी कर चुके हैं। इसमें हम शिक्षा विभाग, ICDS विभाग और अल्पसंख्यक विभाग और अन्य विभागों से भी संपर्क करके सभी से कोऑर्डिनेशन करके हम आने वाले 22 जुलाई से अभियान स्टार्ट करेंगे। 22 जुलाई से जिले भर में मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसको लेकर चिकित्सा विभाग अभी से सतर्क नजर आ रहा है। अभियान की सफलता को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही धरातल पर कार्य करने वाली ANM तक को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि एक भी बच्चा इस टीकाकरण से वंचित नहीं रह पाए।